अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षा तदेव च। शायद आप सभी ने पढ़ा होगा कि अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, और भगवत गीता में यह भी लिखा है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें हिंसा भी करना चाहिए। हिंसा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म की रक्षा करेंगे तभी हम अपना धर्म को पूरा कर पाएंगे। और धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हमें अधर्म करने की जरूरत पड़ती है तो करने के पीछे मत हटिए। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप सभी लोग बहुत भावुक होंगे। मैं भी कल तक बहुत भावुक थी कि अर्नब कल बाहर नहीं आए, उनको बरी नहीं किया गया, उनको बेल नहीं मिला, क्या उनकी दीपावली जेल में निकलेगी। इस तरीके की बातों से मैं कल तक बहुत भावुक थी। लेकिन कुछ चीजें आज मैं आपसे बात करने आई हूँ, अपने परिवार से आज कुछ चीजों को शेयर करने आई हूँ। इन सब चीजों को लेकर अगर आप मेरा विरोध करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, अगर मेरी गलती है तो आप मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। दोस्तों, हम हिंदू ये चाहते हैं कि बिना त्याग और बिना बलिदान के राष्ट्रवाद विरोध, राष्ट्र विरोध, हिंदुत्व विरोध और ऐसे कई छुपे हुए जो विरोधी और दुश्मन लोग हैं उनसे युद्ध जीत लिया जाए। पर हम कोई बलिदान नहीं देंगे, हम कोई त्याग नहीं देंगे। आज शायद बहुत लोगों को यह अदृश्य कर्म भूमि और यह अदृश्य युद्ध भूमि नहीं दिख रही होगी, ये अदृश्य रणभूमि नहीं दिख रही है। जिस अदृश्य रणभूमि में आज युद्ध हो रहा है, शायद वो चीजें आपको नहीं दिख रही है। ये हिंदुत्व के खिलाफ, ये राष्ट्रवाद के खिलाफ, ये राष्ट्रवादी लोगों को किस तरीके से चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है, शायद वो चीजें आप लोगों को नहीं दिख रही है। और जिन्हें दिख रही है, प्लीज इसे समझे, ये एक ऐसी युद्ध भूमि बन चुकी है, एक ऐसी रणभूमि बन चुकी है, एक ऐसी अदृश्य युद्ध भूमि है जिसमें अर्नब एक राष्ट्रवादी अदृश्य एक ऐसा सेना था, एक ऐसा सेनापति है, एक ऐसा अदृश्य सैनिक है, मैं कहूंगी एक अदृश्य सैनिक है, जिनके पकड़े मात्र जाने से हम इस तरह से भावुक हो गए हैं कि हम अपने सेनापति को, जो हमारा नेतृत्व करता है, अपने नेतृत्व करने वाले को, और इतना ही नहीं, अपने साम्राज्य को का भी संहार और खत्म करने के लिए आज आतुर हो चुके हैं। दोस्तों, जब कोई युद्ध भूमि में अगर कोई सेना, कोई सैनिक अगर अपना बलिदान देता है, अगर अपना त्याग देता है, तो हम अपने सेनापति के खिलाफ ही तलवार और युद्ध नहीं करने लगते हैं, तलवार नहीं उठा लेते हम अपने सेनापति के लिए। आलोचना करें, सवाल पूछें, लेकिन खिलाफत ना करें, विरोध ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अर्नब एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। अर्नब आज से कुछ साल पहले हम हिंदुत्व को जगाने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ा है इसका। लेकिन जो हमारा नेतृत्व करता है, जो हमें नेतृत्व दिखा रहा था, वो एक सन्यासी है, वो एक कोई सत्ता का लालची नहीं है। क्योंकि आज इस चीज को मैं इसलिए बोल रही हूं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने इस चीज को महसूस किया। अगर मैं गलत हूं तो मेरा आप विरोध करें और इस चीज को आप मान लें, ये कलयुग है, ये उस वक्त का कोई कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है, जो सत्ता को छोड़कर, जो पूरा अपना राज्यपाट को छोड़कर युद्ध किया जाए। अगर आपने ध्यान दिया होगा, उस वक्त जब महाभारत हुआ था तो महाभारत का भी एक और एक मात्र एक यही एक कर्ण का, अगर आपको याद होगा, कर्ण आखिरी वक्त पर सिर्फ और सिर्फ धनुष इसलिए नहीं उठा पाए थे क्योंकि वो किसी राज्य के राजा नहीं थे। मतलब ये साफ है, अगर सत्ता नहीं है तो आप युद्ध करने के भी युक्त नहीं है। युद्ध करने के लिए भी सत्ता की आवश्यकता है, सत्ता के लिए हमें एक नेतृत्व करता, एक सेनापति की आवश्यकता है। पर आज ये काल आ गया है कि आज हम एक सैनिक के घायल हो जाने पर, एक सैनिक मात्र के पकड़े जाने पर, हम अपने सेनापति से ही युद्ध करने के लिए आतुर हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अपने सेनापति का तो खिलाफ कर ही रहे, साथ में हम अपने पूरे साम्राज्य को भी आज संहार करने के लिए तैयार है। दोस्तों, याद रखें, अगर हमारा साम्राज्य ही नहीं बचेगा, हमारी सत्ता ही नहीं बचेगी, तो ये हिंदुत्व की युद्ध, ये राष्ट्रवाद के खिलाफ जो लोग, विरोधी लोग जो आज षड्यंत्र बना रहे, उसमें वो कामयाब हो जाएंगे और फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और मजे की बात यह है कि हमारे कुछ हिंदू भाई बहन आज ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, ये कुछ अदृश्य जो युद्ध भूमि और ये अदृश्य युद्ध जो राष्ट्रवाद के खिलाफ, राष्ट्रवादी के खिलाफ, ये हिंदुत्व के खिलाफ जो गढ़ा जा रहा है, वो दिख ही नहीं रहा है। दोस्तों, मैं नहीं कहती कि आवाज ना उठाएं, मैं नहीं कहती कि आक्रोश ना दिखाएं, मैं नहीं, मैं खुद 3 दिन से सड़क पर हूं, मैं 3 दिन से सड़क पर आवाज उठा रही हूं। हम सब ने मिलकर कोशिश की कि हम प्रेसिडेंट तक के पास पहुंचे, अमित शाह जी तक के पास चिट्ठी पहुंचाई गई है, हर तरह की कोशिश की जा रही है। लेकिन अर्नब भी यही चाहते थे कि हिंदुत्व ना झुके, राष्ट्रवाद का गला ना घोटे, सत्ता की हार ना हो, सत्ता
मतलब ये हिंदुत्व की सत्ता, राष्ट्रवाद की सत्ता। और ये यहाँ पर हम सबको पता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आज जिस वजह से हम बोल पा रहे हैं, हिम्मत है, ये हिंदुत्व एकता है, कहीं ना कहीं एक जुटता जुट रही है। हम सारे जो बिखरे हुए थे वो सब जो समेटे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसी का देन है जो एक सन्यासी हमारा सेनापति है। तो प्लीज आप इस पे विचार करें। आज जैसे आप देख रहे हैं किस तरीके से बिहार में रुझान हो रहा है, ऊपर नीचे चीजें हो रही है। शाम तक क्लियर हो जाएंगी चीजें कि किसका कौन नेतृत्व करेगा बिहार में। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे राज्य की बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आज यहाँ पे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करने आई हूँ। दोस्तों, मैंने कुछ चीजें आपको एक बात बताऊंगी। अगर एक बात कहूं मैं आपको, अगर चीजों को अगर आप ठीक करना है, जो चीजें खराब हो रही है, हमारे विरोध में जा रही है, जो हमारे खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही है, उन सब का सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र है कि ये हम लोग दुखी होकर बैठ जाए, भावुक होकर बैठ जाए और हमारी हिम्मत टूट जाए कि हम खुद से अपने हाथों से ही अपने साम्राज्य का संहार कर दें। ना हमारा साम्राज्य रहेगी, ना हमारी सत्ता रहेगी, ना हमारा कोई राष्ट्रवादी सेनापति रहेगा जो कभी भविष्य में भी आवाज उठाने की हिम्मत करेगा, और हम तो फिर टूट ही जाएंगे। आज अर्नब का बलिदान, आज वो पकड़े गए हैं, लेकिन अर्नब वापस आएंगे और दुगुनी ताकत से आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, जो मकसद, जो वजह, जिस कारण अर्नब जेल में गए, हम उस वजह को भूलते जा रहे हैं, हम उस मकसद को भूलते जा रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ था, क्या कभी ऐसा हुआ था कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर रामायण में श्री राम ने रावण का वध करने का जो मंसूबे थे उसी को त्याग दिया हो, या उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया हो, सीता माता को छोड़ दिया हो श्री राम ने कि जाओ रावण के पास रहो क्योंकि मेरा तो लक्ष्मण मूर्छित हो गया है, और श्री राम का सब जितने भी सेना लोग हैं श्री राम के नेतृत्व को उन्होंने भरोसा उठा दिया हो। कभी ऐसा हुआ था? जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो उनका इलाज चल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। जो श्री राम के पीछे जो सेना थी, जो लड़ रही थी, उन्होंने श्री राम पे भरोसा तोड़ दिया था। समझें, कुछ चीजों को समझें, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो श्री राम मंदिर की जो आज भूमि पूजन हुई है उस वर्ष की बात हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो पाकिस्तान से अभिनंदन का वापस आना हो, हर मुद्दे पे हमारे सेनापति ने हमारा साथ दिया है, हमारा संरक्षण दिया है, और हम आज जो बोल पा रहे हैं ये आवाज और ये हिम्मत दी है। तो हमें इसके खिलाफ नहीं जाना है, विरोध नहीं करना, हमें सवाल पूछना है कि क्यों क्यों आज ये देरी क्यों हो रही है, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हम इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा तीखा लगेगा, एक्टिविज्म इज वेरी गुड बट ओवर एक्टिविज्म इज नॉट गुड, इज नॉट रिक्वायर्ड। अर्नब भी यही चाहेंगे कि आप अपने राष्ट्रवाद की रक्षा करें, हिंदुत्व की रक्षा करें, और जो हमारे देश के खिलाफ जो आवाज है, जो दिन पर दिन ये बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए आप अपने सेनापति और अपने इस पूरे साम्राज्य को, जो हिंदुत्व साम्राज्य जो बन रहा है उसको बचाने के लिए हिम्मत ना हारे, भावनाओं की नदियों और गंगा ना बहाए। दोस्तों, ये वो वक्त नहीं है कि हम भावनाओं में आकर अपना लक्ष्य भूल जाएं, क्योंकि अगर आज अपना लक्ष्य भूल गए, अपने सेनापति से ही खिलाफत करेंगे, अपने साम्राज्य को ही लात मार देंगे, तो हमारे पास ना कोई सत्ता बचेगी, ना हमारे पास कोई साम्राज्य बचेगा, ना हमारे पास कोई सेना बचेगी, ना हमारे पास कोई सेनापति बचेगा, और ये दिन फिर वापस शायद हमारे पास इतना लेट हो जाएगा, इतना देर हो जाएगी कि शायद हम किसी के सामने अपनी आवाज भी ना उठा पाए। एकता में बहुत बल है, भरोसा रखें, विश्वास रखें। इससे पहले इतिहास गवाह है कि इससे पहले भी जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांचाली का बलिदान दिया था, उस पांचाली के बलिदान पे एक बहुत बड़ा महाभारत हुआ था, अधर्म का नाश हुआ था और धर्म का वहां पे धर्म की स्थापना हुई थी। तो धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण अगर चाहते तो सिर्फ एक सुदर्शन चक्र, उनका एक चक्र ही काफी था पूरा महाभारत का युद्ध के लिए, एक सुदर्शन चक्र उनका काफी होता सबका वध करने के लिए। क्या आप सब इस चीज से मानते हैं, नहीं मानते हैं? श्री कृष्ण में जो बंसी बजाने वाला श्री कृष्ण जब महाभारत करने को आतुर हो गए और उन्होंने जब एक एक चीज का खुद संरक्षण किया, खुद नेतृत्व किया, और अर्जुन को उन्होंने एक एक चीज का उन्होंने मार्गदर्शन किया कि किस तरीके से उनको वध करना है। तो समझें, वो उस वक्त सत्ययुग का युग था और ये कलयुग का युद्ध है। उस वक्त भी एक सत्ता की युद्ध थी और आज भी एक सत्ता का युद्ध है, और इस सत्ता से हटकर अगर कोई बोलता है दिस इज अ डर्टी पॉलिटिक्स, आई हेट पॉलिटिक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, देन प्लीज क्लियर इट लाउड।
whether you hate politics, whether you are not interested in politics, whether we sound like a secularism, whether we sound like a कट्टर हिंदू और व्हाटएवर यू आर थिंकिंग अबाउट अस, वी गिव अ डैम, बिकॉज हमें अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए खड़ा होना है और हम हिम्मत नहीं हारेंगे और हमें अपने सेनापति पे भरोसा रखना है, क्योंकि इसके बाद अगर ये साम्राज्य हमारा ढह गया, गिर गया, तो नया जो साम्राज्य बनेगा वो उसके लिए हमें कुचले जाएंगे और फिर शायद हम आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस बात से सहमत नहीं है तो आप मुझे बताएं। हमें अर्नब के लिए आवाज उठानी है, सवाल पूछनी है अपने सेनापति से कि आखिर हमारा सेना अभी तक आया क्यों नहीं, जो राष्ट्रवाद हिंदुत्व की बात करता है वो अभी तक आया क्यों नहीं। लेकिन हमें अपने ही सेनापति के खिलाफ तलवार नहीं उठाना, अपने साम्राज्य को खुद अपने हाथ से खत्म नहीं करना है। तो प्लीज विचार कीजिएगा इस पे, और मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। बहुत सोच समझ के शायद मैं आप लोगों के मन के खिलाफ जाके बातें कर रही हूं, लेकिन प्लीज आप इससे विचार कीजिएगा कि एक अर्नब की लड़ाई नहीं है, यह पूरे राष्ट्रवाद, एक पूरे हिंदुत्व की लड़ाई है। तो आप यकीन मानिए, बिना संघर्ष किए हुए हम इतिहास नहीं लिख सकते। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।